केंद्र सरकार अगले 3 महीनों में सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को नियमित करने के लिए एक नया कानून लाएगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और संचार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया भारत में बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है और भारतीय लोगों को मजबूत किया है, लेकिन इसके साथ ही पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदार इस्तेमाल की शिकायत आ रही है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा देने, अश्लील सामग्री शेयर करने, दूसरे देश के पोस्ट का इस्तेमाल करने जैसी कई शिकायतें सामने आई है, जिससे निपटने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है और 3 महीने में इसे लेकर एक नया कानून बनाया जाएगा। क्या है गाइडलाइंस? गाइडलाइंस के बारे में बताते हुए प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है इंटरमीडिएरी और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी। हम जल्द इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यूजर की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर, तो शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को 3 महीनों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी सार्वजनिक करना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कंटेंट पर्सनल और एक रेजिडेंट गवर्नेंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। ये सब भारत में ही होंगे। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे से जुड़ी रिपोर्ट भी उन्हें हर महीने जारी करने होंगे। अकाउंट वेरिफिकेशन होगा जरूरी। सरकार ने कहा कि नए नियमों के अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट ना बनाए जाए, कंपनियों से अपेक्षा होगी कि वे वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट किसने किया है, कोर्ट के आदेश या सरकार के पूछने पर यह जानकारी कंपनी को देनी होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी कोर्ट या सरकार के पूछने पर उन्होंने बताना पड़ेगा कि एक पोस्ट किसने शुरू किया है। अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में किसने शुरू किया है, यह भारतीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, बलात्कार आदि के संबंध में होने चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया कंपनी अक्सर ये दलील देती आई है कि इस तरह की जानकारी देने के लिए उन्हें एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा, यूजर का डाटा सेव करना पड़ेगा, जो उनकी निजता का हनन होगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है दो लोगों के बीच हो रही बातचीत को कोई तीसरा सुन या पढ़ सकता है। यह जानकारी कंपनी कैसे मुहैया करा सकती है? इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि हम इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बस पूछ रहे हैं कि इसे शुरू किसने किया है। आपको बता दें कि OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी नियम है। सरकार OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलर करने के लिए भी कानून लेकर आएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए 3 स्तर का तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। जावड़ेकर के मुताबिक सरकार ने पहले OTT कंपनियों से मुलाकात की थी और एक सेल्फ रेगुलेशन बनाने के लिए कहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।